वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सी सेट प्रिपरेशन। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे और बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 क्वेश्चन के सीरीज के एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 69 से आगे बढ़ेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 68 तक का डिस्कशन किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह क्लास यूपी पीसीएस के अतिरिक्त सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम और वनडे एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यहाँ से आपको सहायता मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अब अपने क्लास को। इससे पहले कुछ जरूरी सूचना, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं पीसीएस के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके टीम के पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप एप्लीकेशन के माध्यम से भी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की श्रृंखला पर। देखिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 69 दिया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं और इनका कंक्लूजन दिया है और आपको बताना है इसमें से कौन सा कंक्लूजन सही होगा। इसमें पहला पॉइंट दिया है सम फ्रूट्स आर वेजिटेबल्स, फिर आगे ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट्स। हम लोग इसका विन डायग्राम बनाते हैं। देखिए, सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जो क्या है, जो वेजिटेबल है, तो ये विन डायग्राम बना। आगे दिया हुआ है ऑल फ्लावर्स आर फ्रूट्स, जितने के जितने फ्लावर हैं सब फ्रूट्स हैं। तो देखिए, यहाँ पे ये फ्रूट है, हम लोग ऑल फ्लावर्स को क्या कर देते हैं, यहाँ पर फ्रूट बना लेते हैं, फ्लावर्स के लिए एफ एल लिख देते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपसे कंक्लूजन क्या दिया गया, सम वेजिटेबल आर फ्लावर्स, कुछ वेजिटेबल ऐसे हैं जो फ्लावर्स हैं। अब फ्लावर यहाँ है, वेजिटेबल यहाँ, इनका कोई कनेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर पहला पॉइंट गलत हो जाएगा। आगे दिया है नो वेजिटेबल इज अ फ्लावर, कोई भी वेजिटेबल फ्लावर नहीं। अब हम ये भी तो नहीं बता सकते कि है कि नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। देखिए, पहला और दूसरा दोनों गलत है। यहाँ पे देखिए, वेजिटेबल फ्लावर और सम नो, तो ये कंप्लीमेंट्री पेयर है। जब कभी भी कंप्लीमेंट्री पेयर होता है तो वहाँ पर आंसर बनता है आइदर आर। तो इसका जो सही विकल्प बनेगा, विकल्प सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, आइदर कंक्लूजन वन और सेकेंड फॉलो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर, क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर दिया है। देखिए, 70 और 71 के लिए कुछ डायरेक्शंस दिए गए इन क्वेश्चन नंबर 17 एंड 71। फाइंड द ऑड वर्ड नंबर या नंबर पेयर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। यहाँ पर चार विकल्प दिए गए, इन चार विकल्प में से आपको क्या करना है, एक ऑड को फाइंड करना है। तो देखिए, विकल्प ए में दिया है 651 675, बी में दिया है 37 और 61, सी में दे रखा है 627 और 657, और डी दिया 376 395। जब कभी भी ऑड वन आउट को फाइंड करना होता है तो उसमें सबसे पहला सीक्वेंस चलता है प्राइम नंबर का। तो देखिए, यहाँ पर प्राइम का सीक्वेंस अगर आप लगाएंगे तो प्राइम में आपको दिख जाएगा 37 और 61 प्राइम है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो सही उत्तर बन जाएगा ये विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि ये प्राइम है और बाकी जितने भी यहाँ पे पेयर्स दिए गए उनमें से कोई भी प्राइम नहीं है। अगर प्राइम नहीं मिलता तो इसके बाद स्क्वायर, क्यूब, टेबल, इन सबको क्रम से चेक करते। हम लोग जब ऑड वन आउट की कंप्लीट क्लास का डिस्कशन करेंगे तो वहां पर बताया जाएगा कि ये क्या सीक्वेंस चलता है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 71, सेम टू सेम इसी बेसिस पर है, तो आप इसमें से ऑड को फाइंड करके बताइएगा कि इसका उत्तर क्या बनेगा। दोस्तों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 72, इसमें क्या दिया। देखिए, यहाँ पर दिया नीरज स्कूल्ड मोर देन रागिनी, कमल स्कूल्ड लेस देन सचिन, अमित स्कूल्ड मोर देन नीरज, पंकज स्कूल्ड लेस देन कमल, रागिनी स्कूल्ड एज मच एज सचिन, हु स्कोर्ड द सेकेंड लोवेस्ट। देखिए, यहाँ पे ये एक पजल वर्जन का क्वेश्चन दिया, सेम इसी क्वेश्चन का हिंदी वर्जन यहाँ पर दिया। नीरज ने रागिनी से ज़्यादा स्कोर किया। देखिए, नीरज का स्कोर क्या है, ये रागिनी से, इसको थोड़ा और नीचे बनाते हैं, रुके, नीरज का स्कोर क्या है, ये रागिनी से ज़्यादा है, मतलब नीरज का स्कोर रागिनी से ज़्यादा है। कमल ने सचिन से कम स्कोर किया, यहाँ पे सेट कर लेते हैं, कमल का स्कोर सचिन से कम है। अब आगे देखिए क्या दिया, पंकज ने कमल से कम स्कोर किया। अब जो पंकज है ये कमल के इधर आएगा क्योंकि पंकज इससे कम स्कोर किया है। आगे दिया रागिनी ने सचिन से ज़्यादा स्कोर किया। देखिए, जो रागिनी है ना, ये सचिन से ज़्यादा स्कोर कर रही है, मतलब यहाँ पर रागिनी, तो रागिनी के बाद सचिन आएगा और सचिन को जैसे ही रखेंगे यहाँ पर कमल और ये पंकज सब सेट हो गए। अब किसने दूसरा सबसे कम स्कोर किया, देखिए ये पांचों लोग सेट हो चुके, इसमें सेकेंड लोएस्ट की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड लोएस्ट आपको दिख रहा है कि यहाँ पे के है, के मतलब कमल, तो सेकेंड लोएस्ट कौन है, कमल है। अब इसमें दोस्तों कुछ भी पूछता कि किसने हाईएस्ट किया है, किसने लोएस्ट किया है, कौन मिडिल में, आप सब बता लेते, तो सेकेंड लोएस्ट पूछा, तो यहाँ पर कमल इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प बी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 73, इसमें क्या दिया गया दोस्तों। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इंडिकेटिंग फॉर्मेट का।
एक तस्वीर की ओर देखते हुए राजीव ने कहा, एक तस्वीर की ओर देख रहा और राजीव कह रहा है मेरे अन्य कोई भाई और बहन नहीं है, मतलब राजीव का कोई भाई या बहन नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति का के पिता, देखिए जो तस्वीर है, मान लीजिए तस्वीर है ना, तस्वीर में जो व्यक्ति इसके जो पिता है, है ना, इसके जो पिता है मेरे पिता का बेटा है। अब समझिए राजीव के पिता का बेटा है, राजीव का कोई भाई बहन नहीं, मतलब ये खुद राजीव हो जाएगा और ये इसका फादर हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि राजीव किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तो राजीव किसकी ओर इशारा कर रहे हैं, तस्वीर में कौन है, राजीव का बेटा होगा, तो उनके बेटे की ओर, विकल्प ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 74 में दिया गया कि हम किसी वक्ता से किस तरह की प्रतिक्रिया की अक्सर आशा करते हैं जब हम उसके भाषण के दौरान एक यादृच्छिक रूप से उसे बाधित करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, व्हाट काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स वी डू ऑफन एक्सपेक्ट फ्रॉम अ स्पीकर ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ हिज स्पीच व्हाइल समवन रैंडमली इंटरप्रेट्स हिम। देखिए आप किसी को रोक रहे हैं, किसी को बाधित कर रहे हैं, तो उसका जो प्रतिक्रिया रहेगा ये नेगेटिव प्रतिक्रिया रहेगा। आसानी से आप इसको गेस कर सकते हैं कि आप किसी को रोक रहे हैं, वो कोई काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसकी जो रिस्पॉन्स मिलेगी आपको निगेटिव मिलेगा, तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा, नकारात्मक। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया है ड्रेस कोड किसी भी प्रकार के संप्रेषण में कभी शामिल नहीं हो सकता है, यही डेटा यहाँ पर दिया है, ड्रेस कोड कैन नेवर बी इंक्लूडेड इन एनी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। देखिए ये बोला जा रहा है कि ड्रेस कोड किसी कम्युनिकेशन में शामिल नहीं हो सकता, लेकिन आपको पता है कि कई प्रकार के ऐसे कम्युनिकेशन होते हैं जहाँ पर ड्रेस कोड का इंपॉर्टेंस होता है, तो ये पॉइंट गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट दिया ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एनी ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द अवेयरनेस अबाउट द पीरियोडिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड टू सॉल्ट आउट द माइनर ग्रेवियंसेस ऑफ एनी टीम मेंबर। देखिए ये डेटा हिंदी में यहाँ पर दिया, संगठनात्मक संप्रेषण किसी भी संस्थान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है क्योंकि यह कंपनी के आवधिक प्रदर्शन के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और टीम के सदस्यों की मामूली शिकायतों को हल करने में सहायता करता है। तो बिल्कुल सही है, जो ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन होता है ये हेल्प करता है। अगला पॉइंट दिया, देखिए तीसरा पॉइंट, टेलीफोन मोबाइल लेटर्स एंड ईमेल्स आर सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। देखिए ये कहा जा रहा है कि टेलीफोन मोबाइल पत्र ईमेल और ये संप्रेषण चैनल के कुछ उदाहरण, तो बिल्कुल सही है, आप इनके द्वारा कम्युनिकेशन स्थापित कर सकते हैं। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर सही होगा दोस्तों, तो इसका जो उत्तर बनेगा विकल्प बी, केवल 2 और 3 यहाँ पर सही होंगे। अगले क्वेश्चन पर आते, क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर क्या दिया है, देखिए दिया है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में प्रत्येक अक्षर जैसे ए को 2 लिखा जाए, बी को 4, इसी तरह आगे भी प्रत्येक अक्षर को एक संख्यात्मक मूल्य प्रदान करने का क्रम जारी रहता है, तो शब्द विमेन के लिए सभी अक्षरों का कुल संख्यात्मक मूल्य क्या होगा। देखिए ये बोला जा रहा है कि ए को हम 2 लिख रहे हैं जबकि आपको पता है ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, बी को 4 लिखा जा रहा है, मतलब यहाँ पे देखिए आप ध्यान देंगे ना, और सी को आगे 6 लिखेंगे, तो जितने भी लेटर्स हैं इनका 2 गुना किया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि विमेन के लिए क्या लिखेंगे, कुछ नहीं करना है, विमेन का आप कोड लिखेगा और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू है 23, ओ की प्लेस वैल्यू है 15, एम की प्लेस वैल्यू है 13, एन का 1 है, सॉरी ए का 1 है और एन का 14, जब इन सबको आप जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 14 1 15 15 में 13 अगर आप जोड़ेंगे तो 28 28 में अगर आप 15 जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 43 43 में 23 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 66। ये कब मिल रहा है, जब आपने नॉर्मल प्लेस वैल्यू लिखा है, लेकिन यहाँ पे सबका डबल किया गया तो इसका भी आप डबल कर देंगे, तो 66 दूना 132 132 कहने का मतलब इसका सही उत्तर बनेगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 77, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कंक्लूजन, निम्नलिखित कथन पर विचार करें और निष्कर्षों से सही उत्तर का चयन करें। देखिए यहाँ पर दिया ऑल प्रेटी थिंग्स आर एक्सपेंसिव, जितनी भी प्रेटी थिंग्स हैं सबके सब क्या है, यहाँ पर जितनी भी प्रेटी हैं सबके सब एक्सपेंसिव हैं, ठीक। आगे बोला जा रहा है ऑल प्रेटी थिंग्स आर फ्री, अब जितने प्रेटी थिंग्स हैं सब क्या है, सब फ्री हैं, ठीक। अब यहाँ पर कुछ इसके कॉन्क्लूजन दिए, देखिए सम फ्री आर एक्सपेंसिव, हम तो देख रहे हैं कि पूरे के पूरे फ्री एक्सपेंसिव, लेकिन यहाँ पे सम की बात कर रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। आगे दिया हुआ है सम एक्सपेंसिव आर फ्री, देखिए सम एक्सपेंसिव मतलब एक्सपेंसिव ये पूरा है, इसमें कुछ दायरा फ्री में, तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका बी वाला पॉइंट सही बन जाएगा। जब बी पॉइंट सही बन गया तो दोस्तों आगे चेक करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 78 के लिए यहाँ पे देखिए एक डायरेक्शन अर्थात निर्देश दिया गया क्वेश्चन नंबर 78 और 79 के लिए, प्रश्न संख्या 78 और 79 के लिए एक श्रृंखला दी गई है जिसका एक पद गायब है, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करेगा।
प्रश्न संख्या 78 यहाँ पर देखिए अक्षरों के कुछ समूह दिए गए, इसी प्रकार आगे भी एक समूह आएगा जो कि यहाँ पर नहीं दिया गया, तो आपको बताना है कौन सा समूह आएगा। कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप प्लेस वैल्यू लिखिए, आसानी से आंसर पता चलेगा। बी की प्लेस वैल्यू है 2, एच की प्लेस वैल्यू है 8 और के की प्लेस वैल्यू है 11। ठीक, इसी तरीके से देखिए हम और आगे बढ़ेंगे, एम की प्लेस वैल्यू है 13 है ना, एस की प्लेस वैल्यू की अगर बात करेंगे देखिए एस की प्लेस वैल्यू है 19 है ना, और वी की प्लेस वैल्यू है 22। अब और अगर आगे बढ़ेंगे देखिए x की बात करेंगे तो जो x की प्लेस वैल्यू होती है यह है 24। 24 से अब 24 के बाद देखिए यहां पर दिया हुआ है d की प्लेस वैल्यू है 4 और g की प्लेस वैल्यू है 7। पैटर्न देखिएगा, यहां पर प्लस 6 हुआ है ना, और यहां पर प्लस 3 हुआ है। आगे देखिए यहां पर ये 13 दिया गया, 13 कैसे दिया, 2 में 11 बढ़ाया गया तो 13 आ गया, तो 13 में फिर यहां पर देखिए प्लस 6 और फिर यहां पर प्लस 3। फिर देखिए ये आपका 13 है, 13 में 11 जोड़ेंगे तो 24 आएगा, 24 में यहाँ पर प्लस 6, 25, 26, इसके बाद फिर से साइक्लिसिटी आएगी 1, 2, 3, 4, फिर आगे इसमें प्लस 7 मतलब 3 आ गया, फिर 4 में प्लस 3 करने पर 7 मिल गया, मतलब ये सीक्वेंस आपको समझ में आ चुका है। देखिए ये जो 24 है 24 में हम जोड़ेंगे 11, 24 में अगर आप 11 जोड़ेंगे तो 35 मिलेगा, 35 कहने का मतलब समझ रहे हैं, 26 के बाद अगर आप देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, देखिए 26 9 35 होता है, मतलब जो पहला विकल्प आएगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी 9 है ना। 9 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो 15 आएगा और फिर 15 में 3 जोड़ेंगे तो 18 आएगा। 9 मतलब किस, ये क्या हो जाएगा देखिए 9 अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पता चलेगा ये आई है और 15 मतलब ओ हो जाएगा और 18 मतलब आर, तो आई ओ आर इस क्वेश्चन का सही उत्तर बनेगा विकल्प ए। दोस्तों अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 78 में क्या दिया गया, दोस्तों अगले प्रश्न पर आते हैं 79, इसमें दिया गया देखिए बी की प्लेस वैल्यू है 4। अब प्रश्न संख्या 79 इसमें दिया गया बी को 2 से इंडिकेट किया गया, डी को 4 लिखा गया, जी को 7 लिखा गया और के को 11 लिखा गया। आगे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे दो जगह क्या क्या आएगा। देखिए बी की प्लेस वैल्यू 2 है, ठीक है, 2 के बाद 4 आ गया, 4 के बाद 7 आ गया, 7 के बाद 11 आ गया, तो आपको पैटर्न समझ में आ रहा है। देखिए 2 का अंतर है, फिर 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है, तो अगला अंतर कितने का होगा, 5 का। 5 का अंतर करेंगे तो 16 और फिर इसके बाद 6 का अंतर होगा मतलब 22। देखिए 16 और 22 सिर्फ एक विकल्प में दिख रहा है तो यही विकल्प उत्तर हो जाएगा। और P प्लेस वैल्यू होती है, P की प्लेस वैल्यू 16 होती है और V की प्लेस वैल्यू 22 होती है, तो यहाँ से ये उत्तर सही बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, प्रश्न संख्या 80 में यहाँ पर क्या दिया गया, भेदभावपूर्ण स्वर श्रवण नामक प्रक्रिया में निम्नलिखित में से किसकी पहचान की जाती है। देखिए क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिफाइड इन द प्रोसेस्ड कॉल डिस्क्रिमिनेटिव लिस्निंग। जब कभी भी भेदभावपूर्ण श्रवण किया जाता है तो इसमें किसकी पहचान की जाती है, देखिए विभिन्न ध्वनियों के बीच अंतर प्राप्त किया जाता है, तो इसका सही उत्तर यही से पता चल जा रहा है कि विभिन्न ध्वनियों के बीच जो अंतर होगा यही आपको देखिए भेदभावपूर्ण स्वर श्रवण से पता चलेगा। तो 80 का जो सही विकल्प बनेगा, 80 का सही विकल्प हो जाएगा ए, यहीं पर पहले में उत्तर मिल गया तो हमने आगे इसको चेक नहीं किया। तो दोस्तों ये हम लोगों की आज की क्लास रही जिसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों का डिस्कशन किया है, ये सीरीज लगातार चलती रहेगी, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो सी सेट का पेपर चाहे जिस स्टैंडर्ड का आएगा आप उसे आसानी से टैकल कर पाएंगे। चलिए दोस्तों अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।